आज की वीडियो में हम स्विंग मोटर की पावर को चेक करेंगे। सबसे पहले हम राउंड स्विंग मोटर को बैटरी क्लिप से कनेक्ट करेंगे। अब हम एक आयरन रोड को कट करेंगे और एक साइड से बेंड करेंगे। और अब बैटरी क्लिप्स को प्लग से कनेक्ट करेंगे। सो गाइस, आयरन रोड को रोटेट करने पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 50 वॉट फ्लड लाइट जल रही है। अब हम फोन को चार्ज करेंगे। सो गाइस, आयरन रोड को रोटेट करने पर फोन चार्ज हो रहा है। अब हम स्विंग मोटर से मल्टीमीटर की वर्किंग चेक करते हैं। सो गाइस, आयरन रोड को रोटेट करने पर मल्टीमीटर में रीडिंग शो हो रही है। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Instagram अकाउंट को फॉलो करिए।